अभी आप लोग टाइम देख रहे हैं कि बज तो देख सकते हैं इस टाइम का मौसम, तो कुछ इस तरीके से देखिए मौसम हो गया। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं डे स्टेज, उस डे से सारे चलो दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए व्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना एच फैमिली, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपने बोर्ड स्टैंड के पास, बैट स्टैंड जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये। तो अचानक से 1 बजे ऐसा मौसम हो गया था, बिल्कुल बादल काला शाम जैसा हो गया था, जैसे शाम हो गई है 6-7 बज गए हैं, और उसके बाद जो बारिश हवा चली है बारिश हुई है। तो बारिश से देखते हैं कि नीचे, अभी मैं आ गया हूँ नीचे की तरफ, अभी मैं घर था, घर से मैंने आपको दिखाया, अब मैं आया हूँ नीचे की तरफ, तो नीचे से दिखाते हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है नैनीताल में, कैसा वेदर है, क्योंकि अचानक से ये मौसम ने करवट ली है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे में अगर बारिश 2-3 दिन लगातार हो जाती है तो स्नोफॉल के भी चांस बन जाते हैं, क्योंकि हम जो है जाड़ की तरफ बढ़ चुके हैं, विंटर की तरफ बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में स्नोफॉल भी हो सकती है। तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, अभी आप मेरी ठंडा अभी होने लग गया, देख रहे हैं आप जैसे मैंने पहन रखे गर्म कपड़े। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के व्लॉग में, मेरे व्लॉग में बने रहेगा, स्किप करके मत देखना, तो कुछ ना कुछ इंतजार करिए आप छोड़ देंगे, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग टाइम देख रहे हैं कि 1:10 है और बाहर ऐसा अंधेरा हो गया है जैसा लग रहा है कि रात का वक्त हो गया है। तो बाहर मैं दिखाता हूँ, एकदम से वेदर चेंज हो गया है नैनीताल का, तो देख सकते हैं एकदम से वेदर चेंज हुआ है नैनीताल का। आप देख सकते हैं कि 1 बजे दिन में कुछ इस तरीके से वेदर हो गया है, ये पूरा अंधेरा, बड़ा खतरनाक मौसम हो गया है, ये पूरा अंधेरा हो गया है ये, और 1 बज रहा है दिन का, दिन के 1 बजे में इस तरीके का मौसम, कुछ आश्चर्यचकित है हम लोग कि दिन के 1 बजे कुछ इस तरीके से मौसम हो गया है। बिल्कुल देखिए धुंध कोरा ये, और हवा भी काफ़ी तेज चलते हुए इस टाइम, पूरा ही काला हो गया एकदम, और देखिए हवा कितनी तेज चल रही है, देखिए तो ये आंधी तूफान के, और ये देखिए तेज हवा चलते हुए इस टाइम पूरा अंधेरा हो चुका है। तो देख सकते हैं इस टाइम का मौसम, पूरा अंधेरा, और बारिश जो है पड़ने लगी है, बूंदाबांदी कोहरा देख सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको टाइम दिखाऊँ ना, 1 बजे का टाइम है वो देखिए, 1 बज रहा है और 1 बजे के आसपास कुछ इस तरीके से वेदर, ये तो कुछ इस तरीके से देखिए मौसम हो गया, बारिश होने लगी है, ये पूरा अंधेरा, और ऐसा लग रहा है कि शाम का वक्त हो गया है, ये तो देख सकते हैं आप लोग अंधेरा कायम रहे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं डे से फील्ड, अभी आपने देखा कितना अंधेरा हो गया था, और तकरीबन 1 बजे ऐसा रात का मंजर हो गया था कि रात हो गई है और बिल्कुल अंधेरा, बट एकदम बारिश, हवा भी काफ़ी तेज, और जैसा मैं देख रहा हूं अभी मैं फील्ड में आके कि जो हमारा एक गेट बना था वो हमारा टूट चुका है, सामने देख रहे आप, और इधर जो हमारी टीन की छतें थी ये उड़ के सीधे ताल में चली गई हैं, और जो कालीन आई है शादी भीग चुकी हैं। तो इस टाइम मैं हूँ डी एस ए फील्ड में, और कुछ इस तरीके से देखिए वेदर बना हुआ है, ये तो ही देख सकते हैं आप लोग, इस टाइम मैं हूँ डी एस ए फील्ड में, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो लाइट भी नहीं है, और कहीं कहीं पे जो पेड़ के फंगे हैं वो भी टूट के गिरे हुए हैं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं ये नैनीताल का मंज़र, वेदर का, मौसम का, जैसा आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग के माध्यम से। हालांकि ये जो है बहुत सी जगह ऐसा बारिश का माहौल बना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये पहले तो मैं छाता बंद करता हूँ क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है, तो छाता भी अलट पलट भी हो सकती है, टूट भी जाती है छाता। तो देखिए जो ये गेट बना है ये तो पूरा टूट गया है, अभी दोबारा से रिपेयर होगा। तो ये दोबारा से बनेगा सामने, तो ये दुर्गा महोत्सव की तैयारी चल रही है, जो ये चल रही है दुकानें जो लग रही हैं ये, और टीन देखिए कहाँ जहाँ तहाँ टीन पड़ गए हैं। तो देख सकते आप लोग कुछ इस तरीके से नैनीताल का
वेदर हल्की हल्की बारिश होते हुए, और ये पीछे देख रहे हैं कोहरा। तो इस तरीके से हो गया। और ये सारी टीम देखिए कैसे ये जो है लग गए थे, ये सब लग गए थे, ये हवा से ना सब उड़ गए हैं। ये जितनी हवा आई ना अभी तेज, उस तेज से सारे जो है टीम सब उखड़ गए। देखिए ये सब बल्लियाँ उखड़ गई हैं। ये अभी दोबारा से रिपेयर होंगे, दोबारा से लगेंगे ये। तो ये टप्पर हवा देखिए, हवा तो सामने आप पन्नी उड़ते हुए देख रहे होंगे, तो हवा देख रहा कितनी तेज चल रही है। वो देखिए हवा काफी तेज है इस टाइम। तो चलते हैं लेक में, देखते हैं लेक में कैसा है नजारा। तो देख सकते हैं आप लोग, वहां हो गया बिजली का फॉल्ट, यहाँ पे चिंगारी उठी अभी। और यह है लेक का कुछ इस तरीके से नजारा, कोई भी लेक में बोट से नहीं चलते हुए, क्योंकि वेदर जो है अचानक से ख़राब हुआ और सब जगह ख़राब हुआ वेदर। और एक बजे के बाद अभी आपने देखा कि कितना अंधेरा था, और वहाँ चिंगारी एकदम से स्पार्क हुआ। और ये लेक देखिए आप, हवा की बात कर रहे तो देख रहे आप हवा, ये हवा बहुत तेज़ है इस टाइम। तो वहाँ पर आग भी जला रखी है। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ हुआ स्पार्क, तो देखिए कुछ इस तरीके से स्थिति हो गई है बारिश के बाद। तो देख सकते हैं बोट्स नहीं चलनी है, सारे नाव चालक अपने घर को जाते हुए। तो भी देख सकता हूँ, तो यह है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। तो देख सकता हूँ, और वहाँ जली आग। तो ये आग बड़ी, तो वो देख सकते हैं लोग कैसे सेक रहे हैं उस टाइम। ये तो ठंडे में काफ़ी राहत देती है, और ये आग जो है आज से एकदम जलना शुरू कर दिया है। और ये देखिए कोहरा, तो कोहरा देख सकते हैं आप लोग, कोहरा किस तरीके से नीचे आ रहा है ये। और हवा देखिए, मतलब हवा कितनी चल रही है, अजब अजब मौसम नैनीताल का। तो हवा काफ़ी तेज इस टाइम, पोल सारे हमारे टेढ़े हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर जो है पंगा टूट गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हवा बहुत तेज चल रही है। हवा अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी इस टाइम, क्योंकि हवा बहुत तेज है। तो देखिए इस तरीके से ये टूटे हुए हैं, और इनके टीम तो जहाँ तहाँ उड़ के पता नहीं किधर को गए हैं, कुछ पता नहीं। और सामने हमारा सामने जो एक गेट है ये पूरा टूट चुका है। शुरू हो चुका है, और इधर की तरफ देख सकते हो आप जो पंडाल बनना था दुर्गा महोत्सव के लिए बन रहा है। यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं सामने, और इसकी स्थिति भी कुछ
इस तरीके से देखिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से स्थिति बनी हुई है और हवा बहुत तेज है। तो क्या कहें हवा का, तो तरीके से आज नैनीताल है। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा लगा पसंद है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल दिशा मिली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।